हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का जो है लेसन 3 पढ़ेंगे और इसमें भी जो है रोम साम्राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया इसके बारे में, रोम के इतिहास के बारे में, और अब हम चलते हैं इसके टॉपिक की ओर, रोम साम्राज्य। और रोम साम्राज्य में जो है रोम के 3 जो प्रमुख खिलाड़ी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो मैंने बताया आपको ये सारी बातें। अब देखिए, उस समय रोम में 3 प्रमुख खिलाड़ी हुआ करते थे जिन्हें माना जाता था, यानी खिलाड़ी का मतलब ये नहीं कि ये स्पोर्ट्स प्लेयर, एक खेल खेलने वाला नहीं। यहाँ पर रोमन साम्राज्य में जो है 3 प्रमुख ऐसे व्यक्ति थे जो रोम की जो सत्ता को कभी भी बदल सकते थे, तख्ता पलट कर सकते थे या अपने आप को सत्ता में ला सकते थे। तो ऐसे जो कार्य करने वाले जो शक्तिशाली जो समूह जो है या जो कोई विशेष वर्ग है या व्यक्ति है उसे 3 या जो है उसे खिलाड़ी का जो है दर्जा दिया गया, यानी वो अपने बलबूते पर अपने कौशल पर जो है वो सत्ता को बदल सकता है। तो उस समय रोम में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, शासक वर्ग, सेनेट और सेना। अब मैं आपको जो है डिटेल में एक एक के बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, शासक, तो रोम में जो शासक है यानी रोम का जो राजा है वो क्या है, एक प्रमुख खिलाड़ी है। अब प्रमुख खिलाड़ी कैसे कि राजा जो है सेनेट पर और सेना पर और प्रजा पर, राजा जो है रोम यानी सेनेट और सेना और प्रजा तीनों ही इकाइयों में वो अपना संपूर्ण नियंत्रण रखता था। यानी अगर राजा चाहे, शासक चाहे, यानी रोम का जो शासक है यदि वो चाहे तो वो सेनेट को भंग कर सकता है, या सेनेट में जो सदस्य हैं, जो उसके परिवार, शाही परिवार के जो लोग हैं, उस सेनेट को भंग कर सकता है। यदि सेनेट में कोई विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को दबा सकता है, या सेनेट को पूर्णतः वो भंग कर देगा, या उसका बहिष्कार कर देगा, या फिर इसको नष्ट कर देगा। फिर यदि सेना में कोई, अगर मान लीजिए ऐसा कोई वाद विवाद पैदा होता है या कोई राजद्रोह की घटना होती है या सैनिक विद्रोह की घटना होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है राजा जो है सेना को जो है नष्ट कर सकता है, यानी उनका जो है ओहदा जो है पद जो है उनको वो ख़त्म कर सकता है, या सेनापति का जो पोस्ट है उसको भी वो ख़त्म कर सकता है। क्योंकि अगर शासक को, अगर सैनिक विद्रोह की आशंका होती है तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो इस समस्या को दूर कर सकता है। फिर प्रजा पर पूर्ण जो नियंत्रण होता है वो शासक वर्ग का होता है। प्रजा के बारे में जितनी जो समस्याएं हैं, ये जो भी उसकी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं, वो तमाम जो है चीज़ें राजा के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो राजा जो है पूर्णतः जो है इन तीनों ही इकाइयों पर अपना संपूर्ण वर्चस्व कायम कर सकता है। इसलिए राजा को जो है रोम का एक प्रमुख खिलाड़ी और सबसे नंबर वन यानी पहली पोजिशन में जो है इसका रोम का एक प्रमुख खिलाड़ी माना गया उसके शासक को। सेकेंड देखिए आप, सेनेट। सेनेट मतलब क्या होता है, प्रशासनिक इकाई। अब इस प्रशासनिक इकाई में कौन है, शाही परिवार के सदस्य, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अभिजात वर्ग। ठीक है, तो सेनेट क्या है, प्रशासनिक इकाई है, और प्रशासनिक इकाई में जो सदस्य जो हैं, अब सेनेट क्या है, सदस्यों का समूह। अब ये सदस्य कौन है, शाही परिवार के लोग हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं। तो उस समय रोम का इतना बड़ा साम्राज्य था, जबकि हमने शुरुआत में पढ़ा है कि तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, तो हमने जाना कि सेनेट में जो है ये एक प्रशासनिक इकाई थी, और इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने के लिए जो है सेनेट यानी अलग अलग सदस्यों को इस सेनेट के अंदर चुना जाता था, और ये मुख्यतः जो सेनेट के जो सदस्य हैं ये शाही परिवार या अभिजात वर्ग से हुआ करते थे, यानी निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग जो है इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता था। तो सेनेट के अंदर जो है अधिकतर जो है पैसे वाले यानी जो कुलीन वर्ग जो है उसका आधिपत्य था, उनका शासन था। ठीक है, तो इस तरह से सेनेट जो है इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए इन सेनेट के सदस्य को जो है अलग अलग विभाग दिया जाता था, और इस विभाग के आधार पर जो है सेनेट जो सदस्य है जो है अपने अपने विभाग को और अपने अपने प्रांत को जो है उसको जो है चलाता था। ठीक है, अब अगर सेनेट चाहे तो वो जो है राजा का पद भी जो है षड्यंत्र करके या जो है चक्रव्यूह रचकर जो है इसके पद को नष्ट कर सकता है, या राजा को जो है समाप्त कर सकता है, या फिर सेनेट चाहे तो सेना पर अंकुश लगा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है
धीरे धीरे जो है सेनेट के सदस्य की संख्या बढ़ती गई और उसके इनकी सत्ता और अधिकार भी बढ़ते हैं। और कई कई बार हमने देखा कि रोम के इतिहास के अंदर कि सेनेट विद्रोह के कारण जो है राजा का जो है उसकी हत्या कर दी गई या सेना पर अंकुश लगा दिया गया, तो ऐसी घटना रोम के इतिहास में चलती रही। कई बार ऐसी घटना हुई है कि जो सेनेट से जो है इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरा, चलते हैं सेना पर। सेना में जो होता है वो होता है सेनापति, ठीक है। सेनापति और सेनापति के जस्ट नीचे आता है हमारा सैनिक इकाइयाँ, अलग अलग सैनिक इकाइयाँ होती हैं, अलग अलग सैनिक इकाइयाँ होती हैं और इन इकाइयों पर जो है सेनापति का शासन होता है। और ये सेना सेनेट के प्रति और राजा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो हर एक सेनेट के सदस्य का जो प्रांत का जो शासन चला रहा है उस सेनेट अधिकारी को सदस्य को जो है सेना का एक टुकड़ी यानी सेना के कुछ जो है सैनिकों की संख्या जो उसे उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपने राज्य में जो है जितने जो कार्य कर रहा है सुरक्षा की दृष्टि से जो भी है ये सारी चीज़ें वो उसको संपन्न कर सके, ठीक है। तो सेना चाहे तो वो सेनेट को भंग कर सकती है, सेना चाहे तो राजा का जो है अंत कर सकती है, ठीक है। अब आप देखिए रोम के प्रमुख खिलाड़ी कैसे, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये तीन खिलाड़ी कैसे हैं, उनका क्या होता है। अभी तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि शासक और सेनेट और रोम सेना जो है ये तीन प्रमुख खिलाड़ी। अब देखिए कैसे जो है एक दूसरे का जो है तख्ता पलट कर सकते हैं या कैसे जो है अपने आप को रोम के सत्ता में ये ला सकते हैं। फर्स्ट देखिए आप शासक, तो शासक जो है सेनेट को भंग कर सकता है। अगर सेनेट में कोई वर्ग शक्तिशाली हो रहा है तो ऐसे में जो है राजा जो है सेनेट को भंग कर सकता है, सदस्यता को नष्ट कर सकता है। अगर राजा चाहे तो सेना पर अंकुश लगा सकता है, सैनिकों को जो है राजद्रोह के आरोप में जो है लगाकर और उन्हें जो है बंदी या फिर उन्हें कारावास भी की सजा भी दे सकता है। उसके बाद देखें आप सेनेट, सेनेट में क्या है प्रशासनिक वर्ग की इकाइयाँ, सदस्य शाही परिवार के लोग हैं। और अक्सर हमने ये देखा है कि रोम के इतिहास में कई बार जो है तख्ता पलट हुआ है और सेनेट के कारण भी हुआ है। तो सेनेट चाहे तो वो सेना को अपने अधीन करके राजा के खिलाफ राजद्रोह कर सकती है, ठीक है। यानी सेनेट चाहे तो सेना को अपनी ओर मिलाकर जो है शासक को या उसके पद को ख़त्म कर सकती है। तो सेनेट जो है वो सेना पर भी अपना अधिकार कर सकती है और राजा पर भी अपना अधिकार कर सकती है। यानी सेनेट जो है राजा या फिर सेना दोनों पर जो है अपना अधिकार कायम करके सेनेट जो है या जो सदस्य जो है ये जो शक्तिशाली जो सामंत या जो भी अधिकारी है वो अपने आप को राजा घोषित कर सकता है, ठीक है। उस तरह से देखिए आप सेना, सेना का जो सेनापति है जिसका जो है सभी सैनिक इकाइयों पर नियंत्रण है, ये सेनापति चाहे तो किसके द्वारा करेगा, सैनिक विद्रोह कर जो है वो सेनेट को पहले भंग करेगा या फिर वो सीधा जो है राजा को जो है उसकी हत्या करके जो है सेनेट को अपने अधीन कर लेगा। तो इस तरह से जो है रोम के इतिहास में ये देखा गया है कि तीनों ही अपने क्षेत्र में जो है एक माहिर खिलाड़ी हैं, तीनों को जो है सत्ता चेंज करने का अधिकार है और तीनों ही जो है बहुत ही मोस्ट ऑफ देखे हमने बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो रोम के जो तीन प्रमुख खिलाड़ी हैं ये तीनों ही जो है अगर चाहे तो तीनों ही जो है कोई ना कोई एक विशेष वर्ग जो है किसी ना किसी के पद को या उसकी सत्ता को या शक्ति को भंग कर सकता है या नष्ट कर सकता है। तो इसलिए कई बार एग्जाम में भी आता है रोम के तीन प्रमुख खिलाड़ी के बारे में बताइए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि ये तीन प्रमुख खिलाड़ी हैं। उसके बाद यदि हम देखें और देखिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। सम्राट अगस्त का जो शासन है शासनकाल को शांतिकाल भी कहा गया है। अगस्त का शासनकाल को जो है अगर इसका अगस्त का हम काल देखें तो 253 से 68 ईसवी, ठीक है। अगर हम इसके जो देखें अगस्त के अगर हम देखें तो 253 से 68 ईस्वी, तो अगस्त के काल को शांति काल भी कहा है। इसने क्या करा, सेनेट के अंदर
मध्यम वर्ग या फिर बहुसंख्यक वर्ग को शामिल करना शुरू कर दिया। यानी अब अगस्त ने क्या करा कि सेनेट पावरफुल ना हो जाए या सेनेट सेना पर कब्जा ना कर ले और शासक के बाद ख़त्म ना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में जो है अगस्त ने क्या करा सेनेट के अंदर जो है शाही परिवार के व्यक्ति को ना लाकर किसे शामिल किया, मध्यम वर्ग या बहुसंख्यक। अब जो है सेनेट जो है बहुसंख्यक वर्ग भी कहा जाने लगा और इस सेनेट के अंदर जो है अब सेना भी जो है अपना या जो बहुसंख्यक के जो वर्ग के लोग हैं ये भी शामिल हो गए, और ताकि जो है शासक के कारण जो है अगस्त के ये मानना ये था कि अगर शाही परिवार के लोग सेनेट में नहीं होंगे तो वो मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जो है शासक ने जो है बहुसंख्यक वर्ग को भी जो है इस सेनेट के अंदर स्थान दिया, जिससे कि जो है भविष्य में राजविद्रोह ना हो। फिर सेनेट के सदस्य को सेना में सेवा देने का या अपने कर्तव्य पालन का जो है पाबंदी लगा दी, यानी सेनेट के व्यक्ति जो है सेना से संपर्क नहीं करेंगे या सेना के अंदर सेवा नहीं देंगे। ठीक है, तो उस समय सेनेट के अंदर जो है बहुसंख्यक वर्ग का भी जो है शामिल किया गया। क्यों किया गया? ताकि भविष्य में जो है राज विद्रोह ना हो। अगर हम संक्षेप में कहें तो पहली शताब्दी के बाद और दूसरी शताब्दी के दौरान और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक समय सेना तथा उसके अधिकांश लोग जो है प्रांतों के लिए मिल चुकी थी, जो कि इटली तक ही सीमित था। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए जो है सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। और फिर इन प्रवृत्ति को यह पता चलता है कि बाद में प्रांतों में सेनेटर बहुसंख्यक हो गए, और इन प्रवृत्ति में से पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से इटली का पतन हो गया, और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत जो अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों में जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों में, अफ्रीका के पूर्वी भागों में नए सम्रांत वर्गों का उदय हुआ, और रोम के संदर्भ में नगर में एक ऐसे शहरी केंद्र था जिसके अपने एक दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट हुआ करता था, नगर परिषद सिटी काउंसिलिंग हुआ करता था, और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें अनेक अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम भी शामिल थे। तो इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकांश क्षेत्र में कोई भी दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा के कारण गांव का दर्जा बढ़ा और उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा भी मिल दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी, अकाल के दिनों में इसमें ग्रामीण इलाकों में तुलना में बेहतर सुविधाएँ प्राप्त होने की संभावना भी बनी रहती थी। इस तरह से हमने देखा कि रोम में जो है सार्वजनिक स्नान गृह भी हमें मिले। रोम के अंदर हमें क्या मिले? स्नानागृह। रोम के अंदर हमें जो है स्नान गृह भी मिला है, और ये स्नान गृह जो है हमारे को ये जानकारी देता है कि उस समय जितने जो शाही या धार्मिक जो विधियां हैं उसको संपन्न करने के लिए स्नान गृह का इस्तेमाल हुआ करता था। तो स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता है। ठीक है, जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान से शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के जो है पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा, और जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्थानों ने जल का अपवित्रकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ मनोरंजन के कार्यक्रम या प्रदर्शन आवश्यक हुआ करते थे। ठीक है, तो संपूर्ण साम्राज्य दूर दूर तक अनेक नगर में स्थापित हुए और जिनके माध्यम से जो है साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा सकता था, और भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र सिकंदरिया, एंटीओक, ये सभी क्या है साम्राज्य प्रणाली के एक मूल आधार थे, और इसके माध्यम से जो है सरकार वो प्रांतीय क्षेत्रों में पर कर लगाने के में सफल हो पाती थी, जिनसे उन्हें माध्यम जो अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय उच्च जो है अधिकारी जो है साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन में सक्रिय सहायता देने लगे, और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आत्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक का एक अत्यंत रोचक पहलू भी रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर जो है प्रशासनिक जो है सैनिक अफसर वहीं उच्च प्रांतीय वर्गों में होते थे, और इस प्रकार एक नया सम्रांत तैयार हुआ जिसे सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक जो है शक्ति प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमने देखा है कि धीरे धीरे जो है रोम के अंदर जो है अलग अलग वर्ग का उदय हुआ और वो सत्ता में आने लगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है रोम की प्रशासनिक इकाई और सामाजिक इकाई के बारे में हमने जाना है आज। तो ये सब जो बातें जो हैं एग्ज़ाम में कई बार आती है, और रोम के जो है तीन प्रमुख खिलाड़ी ये भी काफ़ी जो है ध्यान रखने योग्य बातें।
उसके अलावा देखिए, वास्तव में जो है इटली के सिवाय जिसमें उन शताब्दी में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे भी कर वसूला जाता था। और दूसरी शताब्दी में जब रोम ने अपने पर शासन का उसके अंदर शासन था दूसरे का, तो रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड में आर्मेनिया की सीमाओं और तक और सारा से लेकर फरार नदी तक कभी कभी उसके आगे तक फैला हुआ था। और ये सच है कि इन दिनों शासन की व्यवस्था चलाने के लिए अतिरिक्त सहायता जैसे कोई सरकार नहीं थी। फिर भी ये प्रश्न जो है कि सम्राट के इतने लंबे चौड़े व तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे जो है आसान हुआ। ठीक है, तो ये सारी जो तमाम बातें जो है ये सब क्या है, शासक सेनेट और सैनिक से इन सभी व्यवस्था से जो है रोम के साम्राज्य की स्थापना की गई। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जो है आपने देखा कि किस तरह मैंने रोम के तीन प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बताया, फिर अगस्त का जो है काल शासन काल शांति काल कहा गया, फिर सेनेट के अंदर जो है बहुसंख्यक वर्ग शामिल हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे की ओर चलेंगे, रोम के इतिहास को हम और आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।